लक्ष्मीदास जी बाहर आइए, गजब हो गया। अरे क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रहा है तू? कोई मर गया है क्या? आपका बेटा नहीं, नहीं मरा नहीं, मरा नहीं, ये रहा। बापू, बापू। क्या हो गया इसे? क्या हो गया मेरे लाल तुझे? क्या हो गया, क्या हो गया? पानी में डूब रहा था लक्ष्मीदास जी, इस बहादुर बच्चे ने इसे बचाया है। बेटे बेटे तेरा इतना एहसान है, इतना एहसान है, मैं मेरी जिंदगी दे दूं तो भी नहीं चुका सकता। ये ले तेरा इनाम, ये ले तेरा इनाम और मेरे लाल के नाम की मिठाई खा लेना। हाँ जा। ए धनिया, तू तो बनिए का भी बाप निकला रे, ये 5 रुपए क्या भीख में दे रहा है? अरे जान बचा ये तेरे लड़के की, पूरे 500 रुपए लूंगा, 500, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा। 500 रुपया लेगा? हाँ। न एक भी कम न एक भी ज्यादा? ए धनिया इधर मत मार, समझा क्या? क्यों? इधर छोटा दिमाग होता है, आदमी मर जाता है। छोटा बड़ा क्या, तेरे को तो दिमाग ही नहीं है साले, इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। जान बचाने के तू 500 रुपये लेगा? ए धनिया, तुम्हारी इंसानियत की बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ने वाली है, जल्दी से मुझे 100-100 की 5 हरी पत्ती दे दे तो मैं निकलूं। और न दूं तो फिर कोई बात नहीं, कल जब तेरा बेटा मुझे मिलेगा ना तो बड़ा सा पत्थर बांधकर उसे कुएं में धकेल दूंगा, फिर अपना हिसाब किताब फिट्टूस। और इसकी मिठाई है ना, तू खा लेना कंजूस साला। ए रुक 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 कहाँ जा रहा है हिसाब किताब फिट्टूस करके? बेटा ये ले तेरे 5 पत्तों की हरियाली, तेरा हिसाब मेरी खोपड़ी में बैठ गया। और सुन, दोबारा इस मामले में किसी पे एहसान करने मत आना। ए धनिया, मैंने कभी अपने बाप पे भी एहसान नहीं किया, तो तू कौन से खेत की मूली है? तू जा ना मेरे बाप, तू जा, जा तू जा। लक्ष्मीदास, ये लड़के को देख, इसके तेवर देख। अरे जो तेरी लक्ष्मी लूट के लेके जाए वो किसी और से क्या नहीं करवा सकता, बड़े काम की चीज है, जानी नहीं चाहिए। इधर तू रहता किधर है? अभी तो यही खड़ा हूँ, समझ ले यही मेरा घर है। समझ गया समझ गया, इस दुनिया में अकेला है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका लक्ष्मीदास होता है। देख ये बस्ती मेरी है तो आज से तू भी मेरा है, आज से तू मेरा बेटा है। हाँ, और इस बस्ती का किराया तू वसूल करेगा। ये ले धनिया, इस महीने का बस्ती का भाड़ा 32,880 रुपए 12 आने। 12 आने कम है? ये ले 150 रुपए, इसमें और भी कम है। वो मेगा दीक्षित ने नहीं दी होंगी, मैं जानता हूँ। ये लड़की जब पहली बार इस बस्ती में आई अकेली, मैंने बोला इसके खाने के वांदे, इसके रहने के वांदे, रहम खाया, रहेगी कहाँ, रहम खाया, यही पाप किया ना मैंने, यही पाप किया मैंने। अब जब मैं उसे किराया मांगने जाता हूँ, कागज पूछती है, मुझे बोलती है तेरे झोंपड़े नाजायज है, नाजायज है, मैं अखबार में लिख दूंगी, पुलिस को बोल दूंगी। ऐसे लोगों से डरना ही अच्छा है, ऐसे लोगों से डरना ही अच्छा है भाई। नहीं डरता कौन है, लेकिन जब भी मिलती है ना तो भाषण झाड़ती है। एक बार कभी भिड़ जाऊंगा ना तो ऐसे बराबर कर दूंगा उसके अखबार के। चल तू अपने राशन की बात कर यार। नहीं दिया तो क्यों, भूल गया क्या, बड़ा पत्थर कुआ बेटा फिटोस। इधर मारने का नहीं, इधर मालूम है छोटा दिमाग होता है, मालूम है। इधर अरे मालूम है छोटा दिमाग होता है, बचपन से मारो अभी तक मरा है क्या? शारीरिक संतुलन। ये ले तेरे 5 पत्तों की हरियाली ले और ऐश कर जा। जा पापा और मेरी जेब खर्ची। आ जा बेटे, आ जा, तू ला जा मेरे को 500 रुपए दिए, देख क्या हवा रही। देख साला दिन भर तो कुछ काम धंधा तो करता है नहीं, मोटरसाइकिल चमकाते रहता है। ये ले, ये क्या 100? अरे नसीब वाला है, मेरा बाप तो मुझे 10 रुपये देता था। फिर नसीब वाला है, ऐसा बाप तुझे कहाँ मिलेगा? जा ऐश कर, ऐश कर, जा ऐश कर, जा। काश आज इसकी मां जिंदा होती, बाप की कंजूसी की खाई में बेटा अपने प्यार को दफना रहा है। अरे करूं भी तो क्या करूं, इतना कंजूस बाप तूने देखा है? नहीं, अब मरेगा तो पैसे साथ लेके जाएगा? नहीं, बचपन में माँ गुजर गई, हाँ इकलौता लड़का हूँ और जेब खर्च 100 रुपए। अरे आज की डेट में 100 रुपए कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं, फिर बचाने के चक्कर में जो कॉलेज नहीं भेजा था। हाँ। मुझे लगता है पैसे के चक्कर में मेरे प्यार की भी खटिया खड़ी करने वाला। ये प्यार की खटिया कैसे? अरे मैं बताता हूँ कैसे, इधर आ, ये देख ममता के लव लेटर्स, एक एक लव लेटर 25-25 रुपए का है। उसने मेरे जन्मदिन पे 25,000 रुपए खर्च किए थे, अभी 100 रुपए के साथ उसका जन्मदिन मनाया या मरण दिन? देख इस 500 रुपए से काम चल सकता है? अरे इससे क्या होगा यार, अरे कमाल है,
बच्चा समझ के कंधे पे लिया तो कान में मुद्दा है। अरे तू नहीं जानता, वो शहर के माननीय बिल्डर योगराज की बेटी है। अरे 500 रुपए तो यूं उड़ाती है। देख प्रताप, तू कुछ भी कर, बापू को पटा के एक 5000 रुपए दिलवा दे। तू जानता है ना, तेरी बात नहीं टालेंगे। अरे ममता के होने वाले मियां, तू अपने बाप को अच्छी तरह जानता है। उसके सर के बाल झड़ेंगे तो उसका टूथब्रश बनाकर वो अपना मुंह साफ करेगा। उसके पास से 5000 रुपया लाना मतलब भूखे शेर के मुंह से बोटी छीनने के बराबर है। लगता है धनतेरस की पैदाइश है। हर बात पे लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। लक्ष्मी भेजना तो बहू के रूप में भेजना, ताकि घर में आए और स्थिर हो जाए। और मेरी लक्ष्मी पे नजर डालने वाले का मुंह काला कर देना माँ। जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण वासुदेवाय, जय लक्ष्मी नारायण वासु। ये क्या प्रताप, तूने चोरी की? यार कैसी बात करता है, एक अच्छे कार्य के लिए मैंने तेरे बापू का बोझ थोड़ा हल्का कर दिया, उसको चोरी बोलता है? वैसे वो लुढ़क जाएगा तो इस लक्ष्मी का वारिस तू ही तो है। अपने जेब में हाथ डाले को चोरी थोड़ी बोलते हैं। कहीं बापों को मालूम पड़ गया ना, मिर्गी आ जाएगी। यार उनकी हरकतों को तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। पैसे गिनते नहीं तोलते हैं। उनका कहना है लक्ष्मी गिनने से कम हो जाती है। हर महीने का जो भी भाड़ा आता है ना वो ऐसे सोच मत यार, फूक फूक दे, ममता के नाम फूक दे। तो ठीक है प्रताप, जो होगा देखा जाएगा। मगर पार्टी में तुझे भी आना पड़ेगा। एक काम कर, ये चेन पहन, कबर्ड में से शर्ट निकाल और जरा सेक्सी बन जा। लेकिन हमें जाना कहाँ है? लव लव वो यू वॉन्ट मी टू डांस लाइक माइकल जैक्सन। अरे चलना है यार, अंदर आ जाओ। बहन जी अब आपके सिवा हमें कोई नहीं बचा सकता। बहन जी कोई नहीं बचा सकता। पुलिस खिलाफ, कानून खिलाफ, सरकारी अफसर खिलाफ, नेता खिलाफ, हम आदिवासियों को बचा लीजिए बहन जी। बहन जी वहां पर वो लोग वहां होटल खोलना चाहते हैं, इस मुसीबत से हमें बचा लीजिए बहन जी। इस तरह डर डर कर कब तक जियोगे तुम लोग? हम बेबस लोग और कर भी क्या सकते हैं? पुलिस और गुंडों की ताकत मिलकर बस्ती को उजाड़ देगी, और हम बगावत करें तो भी किसके सामने? ये है बगावत। कल इस आर्टिकल के छपते ही जितने खरीदे हुए नेता है ना, उनकी कुर्सियां हिल जाएंगी, और कल तक जो तुम्हारे भक्षक थे ना, वही तुम्हारी रक्षा के लिए तैनात हो जाएंगे। वाह 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 वा, कलम वाली भाई वाह, अखबार के दम पर गरीबों के झोपड़े बचाने निकले हैं। वाह वाह, लेकिन वो जमाना गया जब अखबार को लोग तोप समझते थे। अब तो धंधा बन गया अखबार, पैसा कमाने के लिए कुछ भी उल्टी सीधी हेडलाइन छापते हैं ये लोग। बाला साहब की चेतावनी, अडवाणी अज्ञातवास में, इमाम की गिरफ्तारी, मजाक होगा ये तुम्हारा अखबार। और एक बात जानती हो, तुम्हारे अखबार पर सुबह बच्चे हकते हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है, अखबार में बहुत ताकत है, तक पलट देता है अखबार। सहमे हुए लोगों में ज्वाला भड़काकर क्रांति लाता है ये अखबार। अरे 47 से कौन सा तख्त पलटा? जो लोग गीता रामायण कुरान पढ़कर नहीं जागे वो तुम्हारा अखबार पढ़कर कौन सी क्रांति लाएंगे? सोने दो इनको, बरसों से सोने की आदत पड़ी है उनको, सोने दो सोने दो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, तो सामने आ, उन बेबसों का हाथ थाम, जगा उन्हें। अरे जगाया तो जिंदा लोगों को जाता है, मुर्दों को नहीं। यहाँ है कौन जिंदा? ना इश्क में हो जनरेशन गैप, हम मिलके करेंगे आज। लव रैप, टिंग डिंग टिंग डिंग, लव रैप, टिंग डिंग।